और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। फ्लैट मालकों की एसोसिएशन नेफोवा ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। ग्रेटर अथॉरिटी के एसीओ पर भी लगाया बिल्डरों को शह देने का आरोप। रमा रमन ने खुलेआम उड़ाई यूपी अपार्टमेंट एक्ट की थच्चियां। नियमों के खिलाफ जाकर बिल्डरों को दिया अतिरिक्त एफएआर, ये नेफोवा ने कहा है। और बिना वायरस की सहमति बिल्डरों को अतिरिक्त एफएआर क्यों दिया गया है? एफएआर देने के बाद अखबारों के माध्यम से दे रहे हैं बायर्स को नोटिस। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक अवैध है बिल्डरों को इस तरह एफएआर देना। चेयरमैन रमा रमन की बिल्डरों पर खास मेहरबानी दिख रही है। कानून को ताक पर रख बिल्डरों को फायदा पहुंचाते हैं, क्या बिल्डर्स पर इतने मेहरबान है रमा रमन? और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाने के लिए एक्ट बना यूपी अपार्टमेंट एक्ट, लेकिन उसके नियमों को देखा नहीं और सीधे तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाया। और इसी को लेकर के अब एसोसिएशन हाईकोर्ट पहुंच चुका है और उसने चेयरमैन रमा रमन के खिलाफ याचिका दी है और कहा है कि बिल्डरों पर उनकी खासतौर पर मेहरबानी रहती है। तो मुश्किल में आ सकते हैं रमा रमन, कानून को ताक पर रखकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाते हैं, इस तरह का आरोप उनको है, उन पर है। और सवाल यह कि क्यों बिल्डर्स पर इतने मेहरबान है रमा रमन? एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें यूपी अपार्टमेंट एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के खिलाफ यह याचिका है हाईकोर्ट में। रमा रमन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। फ्लैट मालिकों की जो एसोसिएशन है नेफोवा ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की।